देखिए, ये जो पत्र है इसको रिक्विजिशन नोट भी कहा जाता है। सबसे पहली बात ये है कि जब भी आपको कोई सामान चाहिए होगा स्टोर से, ठीक है, तो स्टोर से सामान के लिए सबसे पहले आपको इशू वाउचर को भरना पड़ेगा, ठीक है, और इशू वाउचर पे जो अधिकारी है उससे साइन करा करके ही आपको स्टोर से सामान निकाल सकते। उदाहरण के लिए आपके डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, कुछ सामान चाहिए, तो सबसे पहले आप रिक्विजिशन जो नोट होता है उसको आप भरेंगे पूरा ढंग से। उसके बाद जो आपका डिपार्टमेंट का हेड होगा उसकी साइन करवाएंगे, उसके बाद से ही आपको स्टोर से कोई सामान मिल सकता है। अगर डिपार्टमेंट हेड का साइन नहीं होगा तो आपको स्टोर से सामान नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये मांग पत्र का ये फॉर्मेट है, आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जिसमें आवेदन का विभाग कौन सा है। उदाहरण के लिए अगर मैकेनिकल वाला मांग रहा है तो हम मेंशन करेंगे मैकेनिकल, क्रम संख्या दिनांक ये सब लिखा जाता है, ठीक है। जॉब और ऑर्डर नंबर ये एक साइड में दिया हुआ है, एक साइड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक साइड में कोड नंबर भी दिए हुए हैं। उसके बाद मात्राएं दी ही हैं, याचित और निर्गत दोनों का, मतलब आप कितना चाहते हैं और आपको कितना मिला। याचित का मतलब आप चाहते कितना है, निर्गत का मतलब आपको दिया कितना गया। रेट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है और खाता प्रविष्ट संख्या लिखा हुआ है, ठीक। नीचे हस्ताक्षर हैं बहुत सारे लोगों के, लिपिक के हैं, प्राप्तिकर्ता के और मांगकर्ता के, ठीक है। तो ये जो नोट था वो किसका फॉर्मेट था, निर्गम पत्र, जिसको इशू वाउचर ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बिना आजकल सिस्टम इसी तरह चलता है। अब अगला देखें, ये है रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट नोट, मतलब वापसी सामान जमा पत्र। होता क्या है, जब भी आप ये भंडार से सामान लेते हैं और काम आपका पूरा हो जाए उसके बाद मात्रा कुछ बच गई काम की, मतलब ये है आपने मान लीजिए 100 लीटर लिया, ठीक है, स्टोर से, उसके बाद वो बच गया तो उसको वापस करना होगा। उस स्टोर को वापस करने के लिए, ठीक है, इस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। होता क्या है, जब ये पत्र स्टोर को मिलता है, ठीक है, तो वो सामान का मिलान कर लेता है, ठीक, और इस वाले पत्र से ये पता चलता है कि कितना सामान वापस आया हुआ है, ठीक। इसमें हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि कितना सामान बचा और कितना यूज हुआ था। अब एक और बात है, किस डिपार्टमेंट से वापस किया ये भी मेंशन रहता है। इसमें 3 प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं, ठीक है, 2 स्टोर्स को दी जाती हैं और 1 रिसिप्ट के रूप में जिस स्टोर ने वापस किया होता है उसको दे दी जाती है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, ठीक है, क्रम संख्या दिनांक ये सब आप समझ सकते हैं। ये फॉर्मेट बदलता हो सकता है, ठीक है। अगला जो देखें, मटेरियल ट्रांसफर नोट, जिसको बोला जाता है वस्तु स्थानांतरण पत्र भी कहा जाता है। देखिए, कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, वो एक बात जाननी जरूरी है कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो यही पूछ लेगा कि भैया मटेरियल ट्रांसफर नोट किस काम आता है, ये नहीं पूछेगा कि इसका फॉर्मेट बताइए, इसके फॉर्मेट में क्या होता है। ये पूछ लेगा कि कितने तरह के स्टोर होते हैं, इन सब के बारे में पूछ सकता है, इससे अधिक नहीं। चलिए, अब अगला जो पढ़ते हैं वो है स्टोर लेजर, ठीक है। स्टोर लेजर जो होता है, सॉरी, अभी तो मटेरियल ट्रांसफर नोट बचा हुआ, तो इस पर ध्यान देंगे। मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या होता है, जब भी आपको सामान इशू होता है, मान लीजिए आपको कोई सामान इशू हुआ और